थोड़ा सा जूम कर लो ना, ज्यादा पार्ट आ रहा है, छोटा पार्ट चाहिए ऊपर में। हाय सुमित, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम यहाँ आज की क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। देखो, आपको पता है बच्चों को सबको कि जो आपके तीन टॉपिक्स हैं, एक है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, एक नंबर सीरीज की बात करूं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं। ये तीन टॉपिक आपके 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, तो हम इन पे थोड़ा अभी ज्यादा फोकस करेंगे। देन आपको डीआई पे और पजल्स पे कल से वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। कोशिश रहेगी कि कम से कम रेगुलर हम एक डीआई करें और एक आपकी यहाँ पे पजल सॉल्व करें, ठीक है बच्चों? चलिए गाइस, जल्दी आ जाओ यहाँ पे, हम क्लास आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आपका सेम ही लाई करता ना, या आपका क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन पे बेस आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो अप्रोक्सीमेशन पे बेस आपको क्वेश्चन है, बस आपने वैल्यूज को थोड़ा लेट करना पड़ता है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में जो हम कल क्लास लेंगे उसमें कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड, ठीक है? क्या आप सब लोगों को मेरी प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है और प्रॉपरली सब कुछ यहाँ पे विजिबल है? चलिए गाइस, गाइस आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपके, 15 क्वेश्चंस करेंगे, 5 सिंप्लीफिकेशन पे, 5 नंबर सीरीज पर, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व करने की ट्राई करना, फिर देन आपका यहां पे मैंने तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें आपकी आज की क्लास। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ अंडर रूट ऑफ 196 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 576 अंडर रूट अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन आपके यहाँ पे ए है आपका 3/2, बी ऑप्शन है 5/2, सी ऑप्शन है 6/5, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे 9/4 और ई ऑप्शन आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। चलिए गाइस जल्दी बताओ आपका यहां पे इसका आंसर क्या है। दीपक देखो यार, जो आपके टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने हैं, और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ो। सो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में कंसेप्ट अपने आप ही क्लियर होते रहेंगे। बस आपको स्क्वेयर, आपको क्यूब, स्क्वेयर रूट, क्यूब रूट और मल्टीप्लीकेशन करनी आनी चाहिए ना, वो आपको यहाँ पे क्लास में सीखने को मिल जाएगी। चलिए जल्दी बताया आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है। अभी तक 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, 5/2, 5/2। गुड आफ्टरनून। चलिए इसका आंसर जिसका 5/2 आ रहा है, वो आंसर आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट है, ठीक है? देखो करना क्या, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 196/7, जो 196 है वो आपका अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो वैल्यू निकल के आती है 14। कितनी निकल के आती है वैल्यू आपके यहां से, 14। तो 14/7 आपका यहां हो गया, 14/7 आपका यहां हो गया, ठीक है? उसके बाद है आपका 576, 576 का मतलब है आपका 24 का, जो 24 का स्क्वेयर है वो 576 होता है, तो मतलब 576 का जो आपका स्क्वेयर रूट है वो बन के आएगा 24 अपॉन 12 इनटू जो अंडर रूट 25 है वो बनेगा 5/8 इक्वल टू एक्स। अब सॉल्व करो यहाँ पे, वन जा टू जा, वन जा टू जा, सॉल्व हो गया, 2 2 कैंसिल हुआ, आपका 2 आ गया, तो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 5/2। बताओ जल्दी कि यहां पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ कि आपका आंसर यहां पे सही आया कि नहीं आया।
जल्दी बताओ आपका आंसर क्या रहा यहां पे इसका, 5/2 कितनों का आंसर आया यहां पे, जल्दी करो, टाइम नहीं लगाना यहां पे क्वेश्चंस पे ना, वही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं आपके इन टॉपिक पे, इन पे अगर टाइम वेस्ट करोगे तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आपके अर्थमेटिक है वहां के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन आपका यहां पे 19 × (+16)² आपका है 2620, कितना आपका यहां पे 2620। अब देखो यहां पे इसके ऑप्शन हैं, अब ये क्वेश्चन आपका जो है अप्रोक्सीमेशन बेस आपका क्वेश्चन है ना, 106, 125, 145, ठीक है, 95, और ये है आपका यहां पे नन ऑफ दीस। जल्दी बताओ आपका यहां पे इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, कि जल्दी निकाले आपका यहां पे आंसर क्या है इसका, एट आपका टू पता कैसे आया था, क्योंकि आपका ऊपर न्यूमिरेटर में 2 × 2 था ना, और नीचे आपका 8 था, तो मैंने इसको काटा यहां पे 4 के टेबल से, ये आपका 2 हो गया, ये आपका यहां पे 1 हो गया, कि इस तरीके से आपका यहां पे 2 निकल के आया। चलिए क्या आंसर आया आपका इसका यहां पे आपको, ठीक है, दो ही बच्चों के आंसर आपके यहां पे अभी तक 125 आए हैं। और इजी और हार्ड लेवल क्या होता है, इजी हार्ड लेवल का मतलब क्या है मुझे ये बताओ पहले आप, बेटा क्लेरिकल एग्जाम दे रहे हो ना, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन आपके इसी लेवल के आने हैं, और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोई आप पीओ का मेंस लेवल का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि आपको क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के आने, इजी लेवल क्वेश्चन आने हैं, मेन बात है आपकी स्पीड यहां पे होनी चाहिए, स्पीड आपकी है तो एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। तो 125 जिनका आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है आपका यहां पे करेक्ट। चलिए देखिए यहां पे कैसे निकाला है इसको, आप यहां सॉल्व करोगे 19 × (x)=2620 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ये किसका स्क्वायर है आपका, आप बोलोगे 256, 16 का स्क्वायर कितना है 256, तो आप यहां पे 256 माइनस करो, ये आपका मन क्या आएगा 4, ठीक है, 11 - 5 बनेगा 6, ये बनेगा आपका यहां पे 3 और 2, 2364, तो x = 2364/19 यहां पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या है इसको सॉल्व करने का आपका आसान तरीका क्या है, देखो ये 19 है ना, 19 कितना है 19, तो आप बोलोगे यहां पे 19 × 100 का ये बन जाएगा 1900, कितना बनेगा 1900, ये बात आपको यहां क्लियर होगी। अब क्या है देखो यहां पे आपको 2364 लेके आना ना, अब अगर आप 1900 का आधा पार्ट और ऐड करते हो तो मतलब 19 × अगर आप 50 करते हो वो इसका आधा पार्ट और ऐड होगा, वो बन के आएगा यहां से 950, कितना बन के आएगा 950, तो इसका मतलब देखो क्या है, अगर मैं ये ऐड करता हूं तो बनेगा 5812850, लेकिन ये वैल्यू है आपकी 2364, मतलब क्या है आपका यहां पे जो ये वैल्यू है ये आपकी 19 × 150 से कम है और 19 × 100 से ज्यादा वैल्यू है, तो आपके यहां पे ये दो ऑप्शन लाई कर रहे हैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, 19 × 100 ये है और 19 × 150 आपका यहां पे ये आ रहा है, तो ये आपकी दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए आप यहां पे गेस कर सकते हो कि आपका आंसर इन दोनों में से कोई आना है, लेकिन अगर 19 × 150 होता तो आपका 2700 के पास आंसर आता, लेकिन आपका आंसर यहां पे कितना आ रहा है 125, तो ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बताए जल्दी आंसर आपका सही आया कि नहीं आया, ठीक है, इसका आंसर क्या आपका यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, मुझे पता है इजी लेवल के है ना, लेकिन एग्जाम में जब आने ही ऐसे क्वेश्चन हैं तो मैं क्यों आपको यहां पे टफ लेवल के क्वेश्चन करवाऊं, एग्जाम देख के आओगे फिर पता चलेगा कि सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं आपका यहां, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है √260, जल्दी बताना इसका आंसर कितना आएगा, √260, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.0676 मल्टीप्लाइड बाय √100 = x, तो आपकी वैल्यू यहां पे क्या क्या निकल के आने, देखो आपके ऑप्शन है 25, 26, 27 और
28 और ई ऑप्शन है यहां से आपका नन ऑफ दिस। जल्दी बताएं आपके यहां पे इसका आंसर क्या निकल के आ रहे हैं। जल्दी करें, जल्दी इसका आंसर क्या निकल गया आपका। इतना टाइम लग रहा है आपको आंसर निकालने में, क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं। यहाँ पे 26, यहाँ पे एक ही बच्चे का आंसर आया अब तक, यहाँ पे 26। ठीक है, देखते हैं 26 आपका राइट आंसर है कि नहीं है। 26 दो बच्चों के, तीन, जल्दी बताएं जल्दी कितना आंसर आ रहा है आपका यहाँ। चार, नन ऑफ दीस वाला गलत, नन ऑफ दीस, ठीक है 26 बी। चलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी विच इज 26। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे सॉल्व करने में ना, क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन इजी है और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने हैं, और एग्जाम में क्या है जो 10 क्वेश्चन आपको बेस आने हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे, वो 10 क्वेश्चन आपको 4 मिनट में सॉल्व करने हैं, है ना। तो 4 मिनट के लिए आप लगा लो कि आपको, ये मैंने ज्यादा टाइम बोल दिया आपका यहाँ पे, आपकी 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कम से कम यहाँ पे टाइमिंग रहनी चाहिए। देखो सॉल्व करो, आप देखोगे 0.0696 है, तो 676 आपका बनता है 26 का स्क्वायर, है ना। तो अपॉन क्या है आपका यहाँ पे 1000, इसको अगर आप यहां से हटाओगे तो आपका बनेगा 260, ठीक है, इनटू ये बन जाएगा आपका यहां कितना 26 का स्क्वायर अपॉन 40, है ना, इनटू ये क्या बनेगा आपका जो 100 है, ये बन जाएगा आपका 10 यहां सॉल्व हो गया, 10 के साथ एक आपका यहां पे, सॉरी हाँ, आपका यहाँ पे 10 बन गया, मैंने कहीं एक जीरो काम लिख दिया आपका 0.0676, ठीक है आपका यहाँ 10 बन गया। जा इसको पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ देखो इसको, ये आपका जीरो एक अंडर रूट में है, एक आपका बाहर में लिखा हुआ है, हमने क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट ली आपकी। देखिए ठीक है, ये अलग है आपके दोनों रूट ना, ये दोनों रूट आपके यहाँ पे अलग है, इसको इस तरीके से यहां सॉल्व करो, ये बनेगा आपका यहां पे कितना 260 इनटू, ठीक है 260 इनटू ये बन के आएगा आपका 26 अपॉन 10 अपॉन 100 का स्क्वायर का अंडर रूट इनटू ये बन के आएगा आपका यहां पे 10 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। जिसका पहले आंसर नन ऑफ दीज आया था वो ऑप्शन सही था, हमने यहां पे इसका रूट आगे तक बढ़ा लिया था, इसका रूट इतना ही आना है। अब सॉल्व करो यहां पे इसको, आप बनेगा 260 इनटू 26 अपॉन 100 इनटू कितना बनेगा आपका यहाँ पे 10, ये बन गया आपका यहाँ। अब सॉल्व करो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, ये बन गया आपका यहाँ पे आंसर 26, मतलब ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ठीक है ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर आया। सर इस वीडियो को लाइव कब तक, ये क्लियर हुआ? चलिए अब मूव करते हैं आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपका यहां पे 250% ऑफ, 250% ऑफ 18, जहां लिखो यहां पे आपका 250 ऑफ 18%, ठीक है, प्लस 25% ऑफ 144 इज इक्वल टू आपका यहां पे कितना है 54 ऑफ x बराबर है आपका यहां पे 54, ठीक है ऑप्शन है यहां से आपके 1/3, 2/3, 1, 4/3 और ये आपका यहां पे नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी निकाले आपका यहां पे आंसर क्या आ रहा है।
चलिए क्या आंसर आया यहां से आपका, इसका आंसर निकालो आपका, यहां पे क्या बन के आ रहा है? जल्दी निकाले आपका आंसर क्या रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी 2/3 आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है जल्दी निकाले सबका आंसर, ऑप्शन बी आया यहाँ पे। चलिए सॉल्व करें यहाँ पे, कैसे करना आपने इसको सॉल्व, तो 250 ऑफ 18%, तो 250 ऑफ 18% यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 250 अपॉन यहाँ 100 into 18 बनेगा, है ना, आप सॉल्व को कर लेते हो, प्लस यहाँ पे क्या करना है आपने 25 अपॉन 100 को आप 1/4 डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो ना, इनटू आपने करना यहाँ पे 144 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 54, और इसको आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2/3 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपने करने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे करना है, देखो क्या करोगे यहाँ पे आप, जैसे ही आपने 250 देखा और यहाँ पे आपने परसेंटेज देखा है, तो 250 और परसेंटेज देख के आपको डायरेक्टली यहां पे इसको लिखना है 5/2, क्या लिखना है यहां पे 5/2, और 25% को डायरेक्टली आपने यहां लिखना है 1/4। ये आपको चीजें परसेंटेज से थोड़ी सी पता होनी चाहिए, परसेंटेज से आपको चीजें थोड़ी सी यहां पता चलनी चाहिए। तो अगर आपको ये चीजें यहां पे डायरेक्टली करना आती है ना, तो फिर आपका टाइम ऐसे क्वेश्चन में कम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर कितना आया, आपका 2/3 यहां पे आपका राइट आंसर आया, सभी का आंसर ये है, ठीक। चलिए बढ़िया, सबका आंसर यहां पे 2/3 ही निकल के आया। चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आपका यहां पे सिंप्लीफिकेशन पे बेस। ये क्वेश्चन आपको 2016 में SBI के एग्जाम में आए हुए हैं, क्लर्क में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्या है यहां पे, फिफ्थ क्वेश्चन आपका 777 + 391 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 16। ये आपको वैल्यू यहां पे फाइंड करने को बोली गई है, ऑप्शन है यहां से आपके 63, बी ऑप्शन आपका 73, सी ऑप्शन यहां से आपका 83, डी ऑप्शन है 93, और ई ऑप्शन आपका यहां पे नन ऑफ दीस। ये आपके यहां पे 5 ऑप्शन है, जल्दी बताओ यहां से आपका आंसर निकल के क्या आ रहा है। दो ही आंसर, तीन आंसर, चार आंसर यहां पे आपके 73 आ गए हैं, जल्दी करें यहां सॉल्व, आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बढ़िया, सबका आंसर यहां 73 आ रहा है। देखिए यहां पे क्या है आपका, आपका आंसर है यहां पे ऑप्शन बी 73। कैसे करोगे इसको, आपको सिंपली यहां पे ऐड करना पड़ेगा पहले, तो ऐड करो 7 और 1 बनेगा आपका यहां पे 8, ठीक है, 9 और 8 आपका बनेगा यहां पे 16, 1 और आपका यहां क्या आएगा 1168 इक्वल टू एक्स अपॉन 16, यहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर यहां पे निकल के आएगा 73। कितना आंसर निकलेगा आपका यहां पे 73। अब ये क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली यहां पे सॉल्व ही करना पड़ेगा ना, आप बोलोगे सर देख के हमारा आंसर है, तो देख के इस क्वेश्चन के आंसर नहीं निकलते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहां पे डायरेक्टली निकालना ही पड़ेगा, तभी आपका यहां पे आंसर निकल के आएगा 73। और कोई तरीका नहीं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका यहां, ठीक है। चलें यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल का आपको समझा चुका हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े यहां पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और निकालो आपके आंसर यहां पे क्या निकल रहे हैं। देखो यहां क्या है, सिक्स क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है x² + 10x + 21 बराबर है 0 के, और दूसरी साइड आपका यहां से y² + 18y + 77 बराबर है 0 के। चलिए जल्दी निकाले आपका यहां पर इसका आंसर क्या निकल कर रहा है। टू बाई थ्री से बाहर आ जाओ, अब हम आपके सिक्स क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं यहाँ पे, x² + 10x + 21 = 0 और y² + 18y + 77 = 0, इसका आपका आंसर यहां पे निकल के क्या आ रहा है जल्दी बताओ, ठीक है। x > y, x < y, जल्दी भी एक ही आंसर आया यहां पे, 2, 3,
एक्स ग्रेटर इक्वल टू, चलो सबका आंसर यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ देखो आपका सबसे पहले का रूट बता चुका आपको कैसे निकालना है, प्लस चेंज होगा माइनस में और माइनस प्लस होगा आपका माइनस। सेम आपका यहां रहेगा, प्लस चेंज होगा माइनस में और माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस। अगर इसके दो रूट माइनस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर आप इसको ब्रेक करोगे वो दोनों आपकी प्लस में ब्रेक होगा। तो कैसे ब्रेक होगा, सेवन और थ्री में, ठीक है। ये माइनस में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ऊपर ब्रेक होगा प्लस में, तो एक होगा इलेवन में और एक होगा यहाँ से आपका सेवन में, क्योंकि आपको 77 चाहिए। तो अगर दो रूट देखोगे, एक रूट आएगा सेवन और एक आया थ्री, इसका इलेवन और सेवन आ गया। अब नंबर नाइन, सात और एक क्या है तीन, सात और एक क्या यहाँ से आपका ग्यारह, सात और एक क्या यहाँ से आपका ग्यारह। तो आंसर क्या है यहां से आपका मेरे पास, बताओ जल्दी आपका यहां पे आंसर क्या रहा इसका। ठीक है, माइनस में आया आपके यहां पे, इसको सेट करो यहां पे आप कैसे करोगे, एक है आपका माइनस सात, दूसरा माइनस सात, ठीक है, एक है आपका यहां पे माइनस थ्री, माइनस सात, माइनस तीन, हाँ माइनस थ्री यार आपका यहां पे इसका रूट, और इसका रूट क्या आपका यहां पर माइनस ऑफ इलेवन। क्या हमारा आंसर गलत है यहां पे, माइनस सात, माइनस तीन, माइनस सात और माइनस इलेवन, आंसर क्या रहा है यहां देखो जल्दी आपका। क्या करो यहां पे, माइनस सात आपका गलत आ गया है, देखो यहां पे आपका माइनस सात, माइनस सात, माइनस तीन और माइनस ग्यारह, तो आपका एक्स यहां पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा। ध्यान रखो यहां पे आप सारा इसका, ठीक है, मैंने गलत कर दिया था, सेवन आपका वहां लिख दिया था, तो आपका माइनस सेवन यहां पे निकल के आ रहा है, आपका एक्स हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई निकल के आएगा यहां पे। चलिए अब देखते हैं आपका यहां पे सेकंड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या है यहां पे आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है यहां से आपका, नेक्स्ट है यहां से आपका 12y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 बराबर है आपका यहां पे जीरो के, ठीक है। जल्दी निकाले यहां पे इसका आंसर क्या आ रहा आपका, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहा निकल के। x ग्रेटर y, इस क्वेश्चन का आपका आंसर x ग्रेटर y आ रहा है क्या, ठीक है, क्वेश्चंस गलत लिखे हैं यहां पे, 17y करो इसको यहां पे, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना यहां पे, इसका आंसर है 12y स्क्वायर माइनस 17y प्लस x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और दूसरा आपका 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, इसको चेंज कर लो यहां पे, सॉरी यार मेरे से गलत लिख दिया मैंने यहां पे, इसको एक बार यहां चेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि टर्म स्प्लिट हो रही है यहां पे, आपका स्प्लिट नहीं हो पा रहा है यहां पे, माइनस 17y प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और यहां पे है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 5x, माइनस आपका चेंज होगा प्लस में और ये बन जाएगा आपका यहां पे प्लस, फिर ये माइनस चेंज होगा आपका प्लस में और ये बन जाएगा आपका यहां पे प्लस। अब यहां पे बात आती है इसको स्प्लिट करने की, स्प्लिट कैसे करेंगे यहां पे देखो आप, जब आप यहां पे स्प्लिट करने की बात आती है तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई करके आपको यहां पे आंसर चाहिए 6। दो प्लस हैं तो ऑब्वियस की बात है यहां पे जो दो रूट निकलेंगे पहले वो आपके माइनस के होंगे, एक होगा 3x और एक होगा यहां पे आपका 2x। ये बात क्लियर सबको यहां पे, बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग था, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया यहां पर, यहां पर 7 लिखा था, 17 कर लो यहां पर इसको चेंज आप। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको, यहां एक 3 और एक बनेगा यहां से आपका क्या 2, ठीक है, निकालो यहां पे इसके रूट क्या निकलेंगे, आप बोलोगे एक 3/6 और एक निकला यहां से आपका 2/6, क्या रूट है आपका यहां से, एक बनेगा 1/3 और एक बनेगा आपका यहां से
ये बना आपका 1/2 और ये बना आपका यहां से 1/3। ये दो रूट आ रहे हैं आपके यहां पे, जल्दी बताएं, एक 1/2 और एक आ आपका यहां से 1/3। ठीक, चलिए अब बात आती है दूसरी साइड की रूट की। अगर मैं दूसरे साइड के रूट की बात करता हूं तो आपको यहां पे चाहिए 12 × 6, तो 12 × 6 कितना होता है आपका यहां पे 72। लेकिन ये आपके प्लस के हैं तो ओबीसी बात है, यहां पे जब ब्रेक करूंगा तो आपका माइनस में ब्रेक होगा, होगा कि नहीं, है ना, ये माइनस में ब्रेक होगा। तो आपको 12 × 6 यहां पे चाहिए 72, तो 72 आपका आता है यहां पे 9, 8 का कितना आता है यहां पे 72, 9 और 8 की फॉर्म में ब्रेक होगा आपका यहां, तो करो ब्रेक, ये बन जाएगा 9 और 8 अपॉन 12 अपॉन बन जाएगा यहां से आपका 12, ये बनेगा आपका यहां से 3/4 और ये बनेगा आपका यहां से 2/3। ये आपके दो रूट बनेंगे। अब इसमें बड़ा और छोटा कौन सा है, देखो जल्दी, ठीक है, आपका यहां पे इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन सा है जल्दी बताओ, 1/2 और 1/3, 3/4 और 2/3। ठीक है, तो अगर आप इन दो रूट को आपस में कंपेयर करते हो तो हमेशा क्या आएगा आपका यहां पे, जो x आएगा वो क्या आएगा, लेस देन किससे आएगा आपका यहां पे, y से, x क्या आएगा हमेशा लेस देन y आपका निकल के यहां पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल y आपका यहां पे बड़ा है x से। ठीक, अब क्या है देखो, अब आपको ना ऐसे क्वेश्चंस में ना जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो अब आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली यहां पे देख के आपका आंसर निकल जाना चाहिए ना। देखो 3/4 का मतलब है आपका यहां पे 0.75, कितना मतलब है 0.75, 2/3 का मतलब है आपका यहां पे 0.66, है कि नहीं, ठीक है, वैसे ही आपका 1/2 का मतलब है 0.50 और 1/3 का मतलब है 0.33। तो देखो यहां पे ये दोनों वैल्यू छोटी हैं इससे, तो आपका x क्या आएगा हमेशा लेस देन ऑफ y आएगा, x क्या आएगा हमेशा लेस देन ऑफ y आएगा। ये क्वेश्चन अब आपने डायरेक्टली सॉल्व करने हैं, नंबर लाइन पे नहीं लिखने हैं, वो तब करेंगे जब कभी आपको कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन तरीका तो वही है ना, प्रैक्टिस के साथ साथ आप उस मेथड को छोड़ के इस मेथड तक पहुंच पाओगे। आई होप इतने क्वेश्चन क्लियर होंगे सभी को, जल्दी बताएं, कोई बात नहीं यार, अगर आप इंटरनेट की वजह से वीडियो को टाइम पे बफरिंग नहीं हो पा रही है ना तो आप कोशिश करना बाद में वीडियो को देख लेना, आपकी वीडियो विद इन 1 or 2 hours आपकी वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, यही वीडियो, तो आप वीडियो वहीं पे भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं आपका 8th क्वेश्चन पे। चलिए देखिए आपका 8th क्वेश्चन यहां पे क्या है, 3x square माइनस 13x प्लस 12 बराबर है 0 के। ठीक है, और दूसरी साइड है आपका 3y square माइनस 7y प्लस 2 बराबर है यहां पे 0 के। ठीक है, एक बार देख लो, 3x square माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0 और 3y square माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां पे इसका आपका आंसर निकल के आ रहा है, या कम से कम पढ़ना तो स्टार्ट करो ना, निकलना नहीं निकलना, रिजल्ट का इंतजार क्यों करते हो आप लोग, आप लोग इस पे डिपेंडेंट क्यों कि हमारा एग्जाम नहीं निकल पाएगा, निकलना नहीं निकलना बात की बात है, पहले प्रैक्टिस करो, पहले ट्राई करो एग्जाम देने की। ट्राई करोगे तो एक बार फेल होंगे या दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 5 बार फेल हो जाओगे, लेकिन 6ठी बार तो पास होंगे ना। तो ये बात दिमाग में रखो कि हमें हमेशा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार में सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को थोड़ा सफर करना पड़ता है, तो आप उनमें से अपने आप को मान के चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करो सही रिजल्ट आएगा आपका। जल्दी बताएं आपका इसका आंसर क्या रहा है यहां पे, या इसका आंसर सब लोगों से चाहिए मुझे, मैं इसका सॉल्व नहीं करने वाला हूं, जो भी आंसर आ रहा है वो आप सब लोग बताओगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, आप खुद से यहां पे सॉल्व करो कि आपका इसका आंसर निकल के क्या आ रहा है यहां पे। एक्स ग्रेटर देन वाई, सर साइन नहीं मिल रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई आ रहा है आपका यहां पे, 3x square 13x 36 9 चौके। चलिए निकालें यहां पे, देखो यहां क्या है, ये माइनस है तो रूट क्या आएंगे, माइनस वाला प्लस में चेंज होगा और प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला आपका प्लस
प्लस में चेंज होगा और प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा। अगर ये दो प्लस हैं तो ब्रेक कैसे होगा, माइनस और माइनस की फॉर्म में। तो 13 को माइनस 12 इंटू 3 चाहिए, मतलब 36 चाहिए आपको यहाँ पे ना। तो 9 4 से कितना होगा 36, तो 9 अपॉन 4 अपॉन 3 अपॉन 3, ये बन जाएगा आपका यहाँ से कितना 3, और ये बन जाएगा 4/3। इतना सबका आया। चलिए दूसरा है आपका, ये 6 बनना चाहिए, तो माइनस और माइनस, तो 6 और 1 की फॉर्म में, तो 6 1 अपॉन 3 अपॉन 3, ये बनेगा 2 और 1 बनेगा 1/3। ये दो रूट निकल गए हैं सब लोगों के, 2 और 1/3, और यहां से है 3 और 4/3। ठीक है भाई, टेक्नो दुष्यंत, अब कैसे आपका आंसर यहां पे सीएनडी आ गया। ठीक है, तो अब आप यहां देख रहे हो, एक आपका 3 है, देखो ये 3 है, इसका मतलब है 1.33, ये आपका 2 है और इसका मतलब है 0.33। तो इनमें आप कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, बड़ा कौन है छोटा कौन है। देखो 3 बड़ा है इन दोनों से, 3 बड़ा है इन दोनों से, 1.3 बड़ा है आपका 0.3 से, लेकिन 1.3 छोटा है आपका 2 से। तो इसका मतलब यहां पे इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका राइट आंसर है। जिन जिनका आंसर यहां पे आ रहा सीएनडी, वो आंसर क्या सही। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका यहां। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका यहां क्या है। 20x² - 9x + 1 = 0, 20x² - 9x + 1 = 0। ठीक है, 20x² - 9x + 1 = 0। और दूसरा है 12y² - 7y + 1 = 0 के। ठीक है, 20x² - 9x + 1 = 0 और 12y² - 7y + 1 = 0। अब बताओ इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका यहां पे। साइन याद करने की कोई ट्रिक कहां से होती है। देखो यार, आप जितनी भी ट्रिक्स याद करोगे ना एग्जाम के टाइम पे, आपको जो मैं बोलूंगा फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला आपको एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा है। तो आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से निकालने की कोशिश करो, ये मेथड बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये मेथड सीख जाओगे, लेकिन कम से कम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो यहां पे। ठीक है, x < y, y > x। y > चलिए सॉल्व करते हैं आपका यहां पे, y > आपका राइट आंसर है। कैसे सॉल्व करना है, माइनस चेंज होगा प्लस में और प्लस प्लस रहेगा, उसके बाद माइनस चेंज होगा प्लस में और प्लस प्लस आपका प्लस रहेगा, मतलब ये आपका माइनस और माइनस में ब्रेक होगा। कैसे, 5 और 4 में, ये आपका यहां पे माइनस और माइनस में ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, यहां पे आपका ये 7 है और आपको यहां पे चाहिए 12। ठीक है, आपको चाहिए यहां पे 12, तो 12 कैसे आएगा आपका यहां, आप बोलोगे माइनस और माइनस की फॉर्म में, 4 3 12, ये 4 ये 3, दोनों से डिवाइड होगा 12 और 12, यहां पे दोनों से डिवाइड क्या होगा 5 और 4 से डिवाइड होगा आपका 20 और 20। ये आपका यहां हुआ सॉल्व। ठीक है, अब निकालो यहां पे, ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/5, ये बनेगा 1/3 और ये बनेगा आपका यहां से 1/4। ठीक है, अब देखो 1/0.5 का मतलब है आपका, 1/5 का मतलब है 0.2, 1/4 का मतलब है आपका यहां से 0.25, इसका मतलब है 0.33 और इसका मतलब है 0.25। तो देखो आपका x बराबर y के भी आ रहा है और x आपका लेस देन क्या आ रहा है, दोनों y से, तो आपका यहां आंसर आएगा x < y, ये आपका राइट आंसर है यहां पे इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई बात नहीं मुनीब, लेट हो तो क्लास जो वीडियो है, क्लास खत्म होने के बाद वीडियो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके लिए खुद से है, आपने खुद से यहां सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है यहां आपका, ये 2x² + 7x + 6 = 0। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। और दूसरी साइड है आपका यहां 2y² + 11y
प्लस 11y प्लस 15 बराबर है 0 के, ठीक है। आपका पहला है 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी साइड है 2y² प्लस 11y प्लस 15 इक्वल टू 0। चलिए निकाले आपका यहां से क्या आ रहा है, बताएं जल्दी इसका आंसर क्या रहा आपका। x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, सभी का आंसर यहां पे x ग्रेटर देन y आ रहा है। सर आई हैव ए क्वेश्चन, बताओ कैसा क्वेश्चन है आपका यहां। x ग्रेटर देन y, चलिए सबका आंसर यहां पे x ग्रेटर देन y आ रहा है। पर सेकंड 20 मिनट आता है यहां पे ना, देखिए बताएं जल्दी इसके रूट क्या निकल गए हैं आपके, इसके रूट क्या निकल गए हैं x ग्रेटर देन y, सॉरी हाँ आपका x ग्रेटर देन y क्या इसका राइट आंसर। थोड़े यहां पे इसको ये माइनस में माइनस प्लस आपका माइनस, ये माइनस में माइनस प्लस माइनस, मतलब दो रूट क्या आएंगे यहां पे इसके, प्लस और प्लस के आएंगे। आपको 6 टू कितना चाहिए आपको यहां पे 12 चाहिए, तो जब दो रूट प्लस में टूट रहे हैं मतलब 7 आपका छोटी फॉर्म में ब्रेक होगा, एक होगा 4 जा एक होगा 3 जा, तो -4 -3 अपॉन 2 अपॉन 2 बन गया, ये बन गया एक बन गया -2 -3 बाय 2। इसको ब्रेक करेंगे माइनस माइनस मतलब ऊपर प्लस में ब्रेक होगा, 52 जा कितना आपका यहां पे 30, तो 6 5 से ब्रेक होगा, तो 6 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2 ये बन जाएगा -3 और -5 बाय 2। -3 और 5 बाय 2 का मतलब है -2.5, इसका मतलब है -2 और -1.33। देख लो अब यहां पे आपका, ठीक है आपका क्या है, जो x है, जो आपका x है वो एक है -2 और एक है -1.33 और y क्या आपका यहां पे y है एक -2.5 और एक है -3, तो आपका x क्या आ रहा है यहां पे हमेशा ग्रेटर देन y आ रहा है। ये आपका यहां पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके मैक्सिमम हूं फॉर लेस टाइम, देखो यहां पे जो आपके टॉपिक्स है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपकी बात करूं यहां पे तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यहां पे वो आपके हैं नंबर सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और नंबर सीरीज हो गया, ये चार टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो क्योंकि एग्जाम में आपको 15 से 20 नंबर के आने हैं, तो इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस लेके चलो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए देखो यार अर्थमेटिक ना आपको पढ़ना तो पड़ेगा पूरा, क्योंकि एग्जाम में लास्ट ईयर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए थे आपको अर्थमेटिक के, अब आप 5 क्वेश्चन आए हैं लेकिन ये मतलब नहीं है कि इस बार भी 5 आएंगे, लेकिन मैक्सिमम अर्थमेटिक में से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको 10 नंबर के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो बाकी बचा हुआ टाइम है वो कहां पे यूटिलाइज करोगे। अगर आप सपोज करो एग्जाम में आपको 10 नंबर का आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, 5 नंबर की नंबर सीरीज, 5 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसके लिए आप लगा रहे हो अगर यहां पे 4 मिनट, इसके लिए 2 मिनट, इसके लिए 2 मिनट, तो ये 8 मिनट में आपके 20 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो अगला आपको एक डीए आ सकता है ना, अगर एक डीए आपको एग्जाम में आया तो 3 मिनट लगा लो, तो आप 11 मिनट में 25 क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो, इतनी बेटा स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद बचा गया आपका 9 मिनट, तो 9 मिनट में आपको बचे हुए टाइम में 9 अर्थमेटिक के कम से कम क्वेश्चन तो करने हैं ना, तो ये तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप बोलो मैं अर्थमेटिक छोड़ के ही चले जाऊंगा, वो आप कर सकते हो ट्राई बैंकिंग पीओ के प्री एग्जाम में, लेकिन बैंकिंग पीओ का मेंस है उसमें भी आपको अर्थमेटिक पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है अभी टाइम है पढ़ो। हम थोड़ी स्पीड इंक्रीज कराएंगे यहां पे, थोड़े क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बेस्ड ऑन अर्थमेटिक पे, तो आपका वहां से बहुत फायदा होगा और आपको सही लगेगा उस चीज को। चलिए अब मूव करते हैं यहां पे आपके नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। पहले बताओ क्लास सही चल रही है, मजा आ रहा है आपको यहां क्लास पढ़ने में,
जो नंबर सीरीज पे हम पांच क्वेश्चन करने वाले हैं ना आज, ये जो क्वेश्चन है आपके नंबर सीरीज के, ये आए हुए हैं आपको SBI PO प्री में 2015 के। ये SBI PO प्री के 2015 के क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन यहां करते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया आपको यहां, 17 ठीक है, 17 कमा 19 कमा 25 कमा 25 कमा 37 57 कमा नेक्स्ट आपका नंबर यहां से क्या निकल के आएगा, ये आपको फाइंड करने को बोला गया है ठीक है। ऑप्शन है आपके यहां से 77, बी है आपका 87, सी है 97 और डी है आपका यहां से 82 और ई है आपका नन ऑफ दीज। चलिए बताएं जल्दी आपका इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, सेवेंटी सेवन। चलिए देखिए आपका यहां आंसर कैसा आ रहा है और मैं आपको बताता हूं कि आपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो कैसे आपने पहचाने हैं कि क्या ट्रिक यूज हुई है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर आपका एडिशन यूज हुआ है। कैसे देखो, यहां पे सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका सबसे बड़ा यहां पे गैप कितना कहां पे है, कि आपका यहां पे सबसे बड़ा गैप कहां पे है। तो आप चेक करो यहां पे गैप कहां है, आप बोलोगे सबसे बड़ा गैप है यहां पे, कितने गैप है आप बोलोगे 20 का, ये 20 का गैप आपका यहां आ गया, लेकिन 20 के बाद ये गैप कितना है आप बोलोगे 12 का, ये गैप कितना है तो आप बोलोगे 6 का, ये गैप कितना है तो आप बोलोगे यहां पे 2 का गैप है ना। जब गैप आपका निकल गया तो इसके फर्दर गैप यहां चेक करो तो ये बनेगा 4 का गैप, ये बनेगा आपका यहां पे 6 का गैप, ये बनेगा 8 का गैप, तो अगला गैप आएगा 10 का, तो 10 के गैप के लिए ये वैल्यू बन जाएगी आपकी यहां पे कितनी 30, तो 30 ऐड होगा बन के आएगा आपका यहां पे 87, मतलब 87 क्या है इसका आपका यहां पे राइट आंसर है। मतलब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो दो बड़े नंबर होंगे ना उन दो नंबर्स के बीच का गैप चेक करना है, मतलब कि अगर वो गैप छोटा है तो आपकी एडिशन है, अगर गैप बड़ा है तो आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे सबसे पहले चेक करनी आनी चाहिए। पास करने के लिए तो आपको यहां पे 10 से 15 नंबर शायद चाहिए होंगे एग्जाम में, नहीं 20 के अराउंड तो आपको नंबर चाहिए यहां पे कम से कम। चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे 61, 82, 124, 187 ठीक है, स्पेस यहां पे कितना आपका 276। ऑप्शन क्या है आपके यहां, ए बी सी डी और ई, ये आपके ऑप्शन है पांच ठीक है। ऑप्शन आपका यहां पे 271, 361, 234, 243 और नन ऑफ दिस। डीआई पे क्लास आपकी कल अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या आंसर आ रहा है यहां पे 271 क्या है यहां पे, जो आंसर आया है ऑप्शन बी वो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक ही पर्सन ने निकाला है टेक्नो दुष्यंत ने, बाकी कहां पे सो गए हैं क्या, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है आपका 271। चलिए 271 आपका आंसर यहां पे राइट है। अब आंसर कैसे आपने यहां निकालना, देखो सबसे पहले यहां गैप चेक करो, इसके बीच में गैप चेक करोगे तो 7-4 कितना होगा 3, 8-2 6, तो 63 हो गया यहां पे आपका गैप। देन यहां पे गैप चेक करो, 4-2 2 ठीक है, 12-8 4 यहां पे गैप चेक करो आपका 1 और 2। आप देख रहे हो ये 21 1 21 2 21 3 अगला क्या आएगा 23 4 बन के आएगा 84। तो आप 84 जब ऐड करोगे तो 8 और 4 1 8 और 8 16 1 17 7 और 2 271, मतलब यहां पे ऑप्शन बी क्या आएगा इसका आपका राइट आंसर है। जल्दी बताएं यहां पे आंसर ठीक है सबका, करते हैं ना एक बार, तीन क्वेश्चन रह गए हैं, देन आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहां पे कि आपने किन किन टॉपिक पे फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे 23 30 23 30 46 ठीक है 80
141 और नेक्स्ट आपका निकल के क्या आएगा, 141 है आपका ये और नेक्स्ट निकल के क्या आएगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे 191, 238, 236, 221 और ई है यहां से आपका नन ऑफ दीस। चलिए बताया आपका आंसर निकल के क्या आ रहा है इसका। टू थर्टी एट चलिए देखिए आपका यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 238 आंसर आ रहा है बच्चों का यहां पे, ऑप्शन बी क्या है यहां पे इसका राइट आंसर है। कैसे यहां निकाला देखो, आप गैप चेक करो पहले यहां पे कितना है, यहां पे गैप है आपका 61 का, यहां पे गैप चेक करो ये गैप कितना आपका यहां पे 34 का, ठीक है यहां पे गैप चेक करो ये गैप है आपका 16 का, ये गैप कितना आपका यहां पे 7 का, ये गैप आपका यहां पे आ गया। अब बात है इसके बाद आपके यहां पे फर्दर गैप कुछ लग रहे होंगे, वो गैप आपको यहां पे फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे, आप यहां चेक करो ये आपका आएगा यहां पे 9, यहां चेक करोगे आपका यहां पे आएगा 18, यहां चेक करोगे तो ये आपका यहां पे आएगा 27, है ना, नेक्स्ट आपका यहां पे आएगा 36, तो 61 और 36 ये आपका बन जाएगा यहां पे 7 और 9 97, कितना बना 97, तो 141 में अगर आप 97 ऐड करोगे एक और साथ बनेगा 8, 9 और 4 13, एक तो 238 क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी का यहां पे इसका राइट आंसर है 265 गलत है भाई, 238 राइट आंसर है यहां पे इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पे 179, वन एटी वन सेवेंटी टू वन नाइनटी नाइन वन थर्टी फाइव। उसके बाद नेक्स्ट नंबर निकालना है आपको यहां से, ऑप्शन ए है आपका 230, ऑप्शन बी है यहां से आपका 240, ऑप्शन सी आपका यहां पे 250, ऑप्शन डी है आपका यहां से 260 और ऑप्शन ई है यहां से आपका नन ऑफ दीस, आंसर है नन ऑफ दीस। चलिए जल्दी बताएं आपका यहां पे आंसर क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखिए यहां पे इसका आंसर 260, देखो यार 55 बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, 55 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो 55 में यार सिर्फ 5 6 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, वही देख रहा हूँ वही लोग बार बार रिप्लाई कर रहे हैं, टेक्नो दुष्यंत साहिल सुमित ठीक है प्रियंका सुमित राजीव मोमिना बस यही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग सोए हुए हो क्या। चलिए देखिए यहां से क्या आपका गैप चेक करना है यहां पे आपको, तो आपका नंबर सबसे पहले यहां पे आप दिख रहा है आपको यहां पे प्लस वन हुआ है, क्या हुआ यहां पे आपका प्लस वन हो गया है ना, तो आप लोगे प्लस वन हो गया यहां, फिर देन यहां माइनस किया हुआ है तो माइनस कितना लेके 8, देन यहां चेक करोगे तो आपका 27 ऐड हुआ है प्लस 27, इनको देख के आपको याद आएगा ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये आपका 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, देन यहां पे आपका 64 माइनस होना चाहिए, तो माइनस 64 आपका यहां पे हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो 9 9 माइनस 5 4,
19 माइनस 13 6, तो आपका ये बनेगा 4 का क्यूब। ये माइनस प्लस माइनस और प्लस हो गया। देन आगे क्या होगा आपका, प्लस होगा क्या, प्लस होगा आपका यहाँ पे 5 का क्यूब, वो कितना होगा 125। तो 125 अगर मैं ऐड करूंगा 135 में, 5 और 5 0 6 और 260 का यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 260 यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 14th का। क्वेश्चन नंबर 15th पे मूव करते हैं आपका। यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास को, इसका आंसर आपने बताना क्या है। 14.6.5.6.5 ठीक है, 12 और नेक्स्ट नंबर क्या निकल के आएगा ये बोला गया आपको। ऑप्शन है आपका यहां पे 1, 27, 28, 29, 30 और none of these। चलिए बताइए यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है इसका। ये क्लास कौन सी है? गुड मॉर्निंग, आपको आपको ये पता लगा कि क्लास कौन सी है बेटा? ये बैंकिंग की क्लास चल रही है, बैंकिंग का जो एग्जाम है आपका, बैंकिंग एसोसिएट का, उसके लिए यहां पे पढ़ाया जा रहा है आपको। ये मैंने आंसर नहीं निकालना, ये आपने ही बताना यहां पे इसका आंसर क्या है। पैटर्न बताओ यहां पे, पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है? पैटर्न बताओ। 29 आंसर सही है यहां पे, बिल्कुल यहां पे इस क्वेश्चन में आपका पैटर्न यूज कर रहा है वो बताओ। इंटू 0.5 माइनस, तो बनता है आपका 7 माइनस 1 बनता है आपका यहां पे 6। नेक्स्ट क्या करते हैं, 6 इंटू फिर से 0.5 किया हुआ है, नहीं 6 इंटू यहां पे आपका 1 किया गया, बनेगा 6 माइनस 1 बनेगा 5। नेक्स्ट आप यहां चेक करोगे तो क्या किया हुआ यहां पे आपका, ठीक है नेक्स्ट क्या आपका यहां पे इंटू 2.5 माइनस 1, तो 6 5 इंटू 2.5 बनता आपका 7.5, 7.5 माइनस 1 बनता आपका यहाँ पे 6.5। नेक्स्ट देखो, पहले 0.5 था, फिर 1 था, फिर आपका यहाँ पे 2.5 हो गया, सॉरी 1.5 हुआ आपका यहाँ पे, कितना हुआ है 1.5 माइनस 1 फिर इंटू 2 माइनस 1 करो यहाँ पे 6.5 इंटू 2 बनेगा 13 माइनस 1 बन गया 12। नेक्स्ट आपका 0.5 मल्टीप्लीकेशन में बढ़ते जा रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 और माइनस 1 कितना बनेगा आपका 12 इंटू 2.5 बनेगा 30, 30 माइनस 1 बन के आएगा आपका यहां पे 29। चलिए बताएं ये क्लियर हुआ आपको यहां पे? सुमित कल आपको पजल भी मिलेगी, कल आपको डीआई भी मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। लाइव नहीं मिलेगा बेशक, लाइव कोशिश करेंगे कि आपका एक पजल कम से कम मैं यहाँ बोर्ड पे आपको लिख के लाऊं और आपको एक पजल यहाँ पे सॉल्व करवाऊं। बस कोशिश है कि सारे बच्चे उस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, चलिए देखें यहां पे। जितने भी लोग हो ना, एक बार बात समझ लो यहां पे सारा कि आपका एग्जाम होना कैसे है। सब लोग बात सुन रहे हो यहां पे, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सिंपलीफिकेशन का फोर्थ क्वेश्चन दोबारा करवा देना, 2/3 टेक्निकल नहीं आ रहा है, 2/3 नहीं आ रहा आपका आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन देख चेक कर लेता हूं। टू 50% ऑफ 180 प्लस 25% ऑफ 144 ऑफ x इक्वल टू 54 सॉल्व करते हैं आपका यहां पे 250 ऑफ 18% ऑफ 18% प्लस क्या आपका यहां 25% ऑफ 144 ऑफ x इक्वल टू 54 ये क्वेश्चन आपका यहां पे क्वेश्चन ये था आपका, ये 250% ऑफ 18 250 ऑफ 18% प्लस 25% ऑफ 144 ऑफ x इक्वल टू 54। देखो यहां पे आप क्या आपका
अगर आप बात करते हो 250 18%, तो 250 का मतलब है आपका 250 अपॉन परसेंट है ना, तो इसका मतलब है आपका यहां से 5 बाय 2 इंटू 18 प्लस 25% का मतलब है 1 बाय 4 इंटू 144 ऑफ x बन गया इतना, ये काटो यहां पे 9 आया तो 9 इंटू 5 बन गया आपका 45 प्लस 4 वनजा ये बनेगा आपका 36 जा, ठीक है 436 का कितना होता है आपका 144, ठीक है तो बन गया आपका 36 x इक्वल टू 54, सॉल्व करें यहां पे 36 और 45 ये कितना बन गया आपका यहां पे 81 x इक्वल टू 54, तो x कितना निकल गया आएगा 54 अपॉन 81, तो 27 टू जा 27 थ्री जा, तो 2 बाय 3 आपका यहां पे इसका आंसर आ रहा है। ठीक है चलिए अब देखिए यहां पे क्या है आपका, अब सब लोग एक बार देख लो यहां पे कि आपका बैंकिंग एसोसिएट का पूरा पेपर कैसा होगा और कैसा रहता है, कितना कट ऑफ जाना है उस पर हम अभी कुछ यहां बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सब लोग अगर प्रेजेंट हो तो एक बार यस कमेंट कर दो यहां पे, जल्दी बताओ। चलिए देखिए यहां पे क्या है आपका, देखो आपके तीन सेक्शंस हैं, सबसे पहले आपका पेपर होना है 60 मिनट का, है ना 60 मिनट का पेपर है और आपको क्वेश्चन आने हैं 100, कितने क्वेश्चन आपका यहां पे 100, ठीक है। अब क्या है यहां देखो आपका जो पहला पार्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं यहां पे, ठीक है कुछ कहते हैं कि जब स्पीड की बात आती है तो उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं नहीं तो उसको क्वांट बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें उससे, और थर्ड है हमारी यहां पे लॉजिकल रीजनिंग या रीजनिंग एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ये तीन पार्ट है आपके यहां पे। अब क्या है यहां पे क्या है देखो आपका, ये आपका रहने वाला है 20 मिनट का टाइमर के साथ, पहले आपका ये पार्ट आएगा जैसे आपने आपको बोला एग्जामिनर ने कि क्लिक करो एंटर हुए आप, 20 मिनट का टाइमर आपका चल रहा होगा और आपका इंग्लिश सेक्शन वहां पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जो रहने वाले हैं वो आपके इंग्लिश के रहेंगे, आप तब तक आगे वाले पार्ट पे मूव नहीं कर सकते हो जब तक आपके 20 मिनट ओवर नहीं होंगे, है ना। तो देखो अगर 20 मिनट है और 30 क्वेश्चन तो बेटा मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन यहां पे सही करने हैं ना, इतने तो करने ही पड़ेंगे आपको सही यहां पे, तो कट ऑफ देखो यहां पे कट ऑफ डिसाइड नहीं है कुछ, कितना भी जा सकता है, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका यहां पे 20 मिनट और 31 से जो आपका 65 तो क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है उसमें क्या रहेगा आपका यहां पे आपको कितने क्वेश्चन आने यहां पे 35 क्वेश्चन आने आपको यहां पे, ठीक है तो 35 क्वेश्चन आपको इस पे आने हैं, देन हम मूव करते हैं आपका यहां पे रीजनिंग पे, फिर देन नेक्स्ट 20 मिनट जो है वो रहने वाले हैं आपके रीजनिंग के, और इसमें भी आपको यहां पे 66 से 100 तक क्वेश्चन होने हैं और आपको 35 क्वेश्चन यहां पे रहने वाले हैं, ये बात आपको क्लियर होगी यहां पे, ठीक है। तो यही जो आपका एग्जाम सेट है वो इसी तरीके से होगा, सेक्शनल आपका टाइमिंग होगा, सेक्शनल आपका कट ऑफ बाद में शायद नहीं देखा जाएगा इतना आपका, क्योंकि क्लरिकल में देखो क्या है, क्लरिकल में आपको ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं हर एक में ना, क्लरिकल अगर बात करें जो आईबीपीएस की वैकेंसी निकलती है तो 100 में से बच्चे जो है 80 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं तब भी उनको इस चीज की शॉर्ट ही नहीं होती कि उनका एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, और ये आपका सिंगल स्टेज एग्जाम है तो सिंगल स्टेज के लिए आपको ज्यादा नहीं बेटा देखो कम से कम बेटा 20 क्वेश्चन यहां 20 क्वेश्चन यहां 20 क्वेश्चन यहां, ये तो हर एक बंदा सही करेगा, क्यों जो बच्चा सीरियस होकर थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ रहा होगा ना वो बेटा एक मिनट में एक क्वेश्चन तो सही लगाएगा ना, तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सही करेगा, लेकिन आपको क्या करना है आपको कम से कम 25 यहां पे 30 यहां पे और 30 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने हैं और सही, इतना मिनिमम आप करना है, मैक्सिमम आप यहां पे इसको 35 लेके जा सकते हो इसको 30 लेके जा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको इतना करना है, आपका 85
प्लस गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब गुड अटेम्प्ट मतलब सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, लेकिन कोशिश करना है कि आपने 90 के ऊपर लेके जाना अपने आपको, क्योंकि 90 के ऊपर अगर चले जाओगे ना तो आपको इस चीज का डर नहीं होगा कि हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। फिर आप रिलैक्स हो जाओ, 15-20 दिन के बाद रिजल्ट का वेट करो और अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी करो, कपड़े वगैरह खरीद लो, आराम से ऑफिस बैठना और अपनी लाइफ सही रहेगी आगे वाली, ठीक है। तो ये चीज रहने वाली आपकी, यहाँ पे ऐसा ही पढ़ना है आपको इन तीन टॉपिक्स पे, दो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है कि जिसमें मैं पूरा पूरा नंबर लेके आऊं। मैथ और रीजनिंग में अगर आपने बेटा यहाँ पे 70 नंबर ले लिए ना, तो इंग्लिश में अगर आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तो 90 नंबर आपके तब भी बनते हैं। तो इसलिए तीन टॉपिक्स में से तीनों अगर बेस्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम दो टॉपिक अपने यहाँ पे सही तरीके से स्ट्रॉन्ग करके रखना, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी सबको। अब बार बार आज के बाद वीडियो पे कमेंट मत करना, पढ़ने के लिए आ रहे हो यहाँ पे, पढ़ो सीखो कुछ सीख के जाओ यहाँ पे, ये उल्टे सीधे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। जिसको नहीं पसंद आ रहा है वो मत पढ़ो, सबको जबरदस्ती यहाँ पे नहीं बुलाया जा रहा है, जिसको नहीं पसंद है मत पढ़ो, बाकी जो है वो आराम से पढ़ो। विषभ यार कुछ क्लियरली नहीं पता है पीओ कितना जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप मिनिमम 60 प्लस लेके चलो कि इतना तो कट ऑफ आपका चल ही जाएगा, और रिजल्ट आपका विद इन 3-4 डेज आपका आ ही जाएगा पीओ का रिजल्ट। 27th को आपका मेंस का एग्जाम है। करंट अफेयर पे थोड़ा फोकस करो अपना, आपने नहीं पढ़ा होगा उसके बारे में अभी तक, ठीक है गाइस। चलिए ये आपकी क्लास थी मैथ्स की, जितना हो पाया आपकी हमने हेल्प कर दी, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 15। नेक्स्ट आपकी क्लास इंग्लिश की रहने वाली है 6 PM, देन 8 PM फिर से आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कोशिश करेंगे कि पजल करवाओ कम से कम आज, ठीक है गाइस। सो गाइस वीडियोस अगर पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि कम से कम शाम को 4 बजे और 8 बजे और 6 बजे वेट करो कि आपकी बैंकिंग एसोसिएट की क्लासेस होनी है, और यहाँ पे जितना हमसे हो पाएगा उतना आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ में आपको बस एक चीज करनी है कि मॉक टेस्ट रेगुलर देने हैं, मॉक टेस्ट आप देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अभी तक हमने 92 शायद मॉक अपलोड किए हैं, 100 मॉक आपके विद इन 2-3 डेज आपके हो जाएंगे, और 100 प्लस भी आपके मॉक हो सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। बस आप चीज आपने थोड़ा सा फोकस करना है अपनी स्टडी पे, आराम से घर पे बैठ के जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं उन्हीं पे फोकस करो घर पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपने रात को शाम को सुबह उस दिन पूरा बैठ के सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ना है, चाहे एक बुक से पढ़ो, एक मॉक से पढ़ो, दूसरे मॉक से पढ़ो, तीसरे मॉक से पढ़ो, लेकिन सिर्फ आपका फोकस उस दिन सिंप्लीफिकेशन ही होना चाहिए, तो ऐसे ही आपके एग्जाम की तैयारी होगी, ठीक है गाइस। चलिए गाइस थोड़ी सी दिक्कत है लाइव क्लास में, क्योंकि आपका इंटरनेट नहीं चल पाता प्रॉपरली, तो थोड़ा आपको देखने में दिक्कत आती होगी, आवाज हो सकता है आपको थोड़ी सी लेट आए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ना है पढ़ने आए हो, जो पढ़ने आए हैं वो जैसी मर्जी कंडीशन में बैठ के पढ़ लेंगे ना, ठीक है। कभी आप याद करो कि आज के टाइम पे तो आप एसी वगैरह में बैठ के पढ़ते हो, लेकिन हमारे टाइम पे आपके टाइम पे भी ऐसा होगा, जब आप 6th, 7th, 8th में होंगे तो स्कूल पढ़ते थे, स्कूल में हम शेड के नीचे बैठ जाते थे गर्मियों में, है ना, वहां पे पंखा चल रहा है लेकिन हमें हवा तक नहीं पहुंचती थी उस चीज के बारे में, तो इतना तो आप लोगों ने सबने सफर किया ही होगा ना, कभी लाइट बंद होती है तो आप गर्मी में बैठे रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने आए हैं वो इन चीजों को निग्लेक्ट करके चलते हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस सो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आपकी इवनिंग में रीजनिंग क्लास में।